हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं आकाश स्पोर्ट्समैन व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबके ढेर सारे प्यार लाइक्स के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सो गाइस, मैं आज आप सबके साथ स्पोर्ट्समैन का लाइफ को थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि स्पोर्ट्समैन का लाइफ आप सब जानते हैं कि कोई मिलिट्री लाइफ से कम नहीं होता है। ढेर सारा डिसिप्लिन, ढेर सारा हार्ड वर्क, बिल्कुल एक्यूरेट डाइट, फिटनेस और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रिज़ल्ट। हर चीज़ उसको देखना पड़ता है और स्पोर्ट्समैन का लाइफ में हर चीज़ का एक अलग ही वैल्यू है। सो गाइस, स्पोर्ट्समैन जैसे फिट रहता है वैसे ही स्पोर्ट्समैन अनफिट भी होता है, इंजरीज भी होती है, और स्पोर्ट्समैन का इंजरीज का टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन जब इंजर्ड होता है तो उसके स्पोर्ट्समैन का मेंटलिटी, जो हम सब, मैं, मेरा पर्सनल व्यू है कि स्पोर्ट्समैन का मेंटलिटी हमेशा अपने आप से लड़ना स्टार्ट कर देता है कि क्या मैं फिट हो पाऊँगा, फिर से क्या मैं फिर से वैसे खेल पाऊँगा जैसे मैं पहले खेलता था, क्या मैं आगे जल्दी से बढ़ पाऊँगा, क्या मेरे को रिकवरी में टाइम लगेगा। और ये एक तरह से मानो तो स्पोर्ट्समैन को थोड़ा सा अपने आप से है ना फाइट करना पड़ता है उसमें। जैसे कि मैं स्पोर्ट्समैन का इंजरी के ऊपर बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी फिट था कल तक। आज मैं थोड़ा सा अनफिट हो चुका हूँ। मेरा नी के पास थोड़ा सा स्वेलिंग हो चुका है, लिगामेंट के पास, जो कि मेरे थोड़ा सा बैड बायो मैकेनिक के कारण हुआ है। पैसे से फास्ट बॉलर हो तो इंजरी तो मेरा पार्ट हो गई। तो मैं सोचा कि जब इंजर्ड हो ही गया तो इंजरी के ऊपर क्यों ना बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इंजर्ड होते हैं तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और होना भी लाजमी है क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, इंजर्ड होता है होते हैं तो उसमें तो दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं। लेकिन गाइस, स्पोर्ट्समैन को ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आदमी फिट होने के लिए मेहनत करता है और रिस्पेक्ट करता है, उनको अपना इंजरी को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इंजरी ऐसा फेज़ है जिस जगह आपको अपने आप को एक तरह से स्थिर, अपने आप को कंट्रोल वे में रखना पड़ेगा, पड़ता है और कैसे टैकल करना है वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से हुआ। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे फीलिंग्स नेगेटिव आते हैं, मेरे दिमाग में आते हैं क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन ही हूँ तो दिमाग में आना ही है। सो गाइस, मेन मसला है कि अपने आप को उस समय इंजर्ड हो तो करना क्या चाहिए। तो गाइस, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो स्पोर्ट्समैन जब भी इंजर्ड होता है तो सबसे पहले उसको यह पता करना चाहिए कि इंजरी कौन से लेवल की है, क्या वो ग्रेड वन का है या ग्रेड टू का है, कौन से लेवल का। उसको स्पोर्ट्स फिजियो या पर्सनल डॉक्टर या फिजियो के पास जाना चाहिए और अपना जाँच कराना चाहिए, फिर जो डॉक्टर्स बोलता है वो तो करना ही है। और इंजरी को प्रेशर नहीं लेना है, इंजरी के टाइम में कुछ नया चीज़ स्किल डेवलप करिए बैठे बैठे, कुछ क्रिएटिव बनो जिससे कि आपका ध्यान भी भटका रहेगा और नेगेटिव भी नहीं होगे। और थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल करने से इंजरी के टाइम में नेगेटिव फीलिंग दूर होता है और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स मिलता है। क्योंकि गाइस, स्पोर्ट्समैन का इंजरी ऐसा है कि इंजरी के टाइम में स्पोर्ट्समैन सिर्फ इंजरी के बारे में सोचता है। स्पोर्ट्समैन क्या, कोई भी नॉर्मल इंसान का मान लो कि पैर में दर्द होगा तो वो पैर के बारे में दिन भर सोचेगा ही। मेरे साथ भी होता है, मेरे पास भी इंजरी हुआ है तो मैं भी सोच ही रहा हूँ। लेकिन गाइस, ओवर थिंकिंग हमेशा से वर्स रहा है, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत चीज़ ख़राब भी हो जाता है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है। तो गाइस, इंजरी ऐसा है कि उसको रिस्पेक्ट दो। इंजर्ड हो गए कोई बात नहीं, इंजर्ड हो गए, स्पोर्ट्समैन है तो इंजर्ड होंगे ना यार। कंप्यूटर में बैठने का वाला कोई ऑफिशियल आदमी थोड़ा ना इंजर्ड होता है, स्पोर्ट्समैन है तभी तो इंजरी होता है। और इंजरी भी कोई ख़राब चीज़ नहीं, वो भी एक ग्लोरी है, कोई ग्लोरी से कम नहीं इंजरी। तो इंजरी को भी अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ में जोड़ो और ये बहुत ही आपको अंदर से मजबूत भी बनाता है इंजरी, क्योंकि आपको खुद से लड़ना सिखाता है। और इंजरी जब रिपेयर होता है तो उसको पता रहता है कि क्या करने की वजह से मैं इंजर्ड हुआ था, तो वो रिपीटेशन नहीं करता है। सो गाइस, इंजरी सबके लाइफ में होता है, लेकिन इंजरी से जितना जल्दी निकलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, आप रेगुलर उस पर ध्यान दे रहे हो या नहीं। गाइस, जब इंजर्ड होने के बाद जब इंजरी से बाहर निकलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्पोर्ट्समैन के लिए
फिर से ग्राउंड में उसी तरह से कम बैक करना। और रिहैबिलिटेशन गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ रहता है इंजरी के बाद, जो मसल्स का जो स्टिफनेस है उसको दूर करता है, स्ट्रेंथ देता है और पावर देता है, और ताकि फिर से ग्राउंड में उसी पावर के साथ फिर से बाउंस बैक करे और अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करे। सो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जहाँ स्पोर्ट्स मैन जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, अगर आप इंजर्ड हो तो ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देने का, क्योंकि जितना आप लोड दोगे उतना ही दिमाग नर्वस सिस्टम काम करना नेगेटिव करेगा, और उससे इंजरी के टाइम में है ना स्लो प्रोसेस में आपका रिकवरी होगा, लेकिन जैसा आप चाह रहे हो उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपके ही लोड के कारण आपका नर्वस सिस्टम आपको हर तरफ मसल के पास पहुंचा रहा है मेमोरी कि भाई इंजर्ड हो गया, नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव टाइप का होगा। तो गाइस इंजरी है, इंजॉय करो एंड कुछ क्रिएटिव करो, और इंजरी से निकलो तो अपना तगड़ा परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या चीज़ हो, दूसरा नहीं। जो करना है आपको करना है, इंजरी है क्या दिक्कत है यार, मैं भी हूँ आप भी होंगे, निकलूँगा मैं भी और मैं भी इंडिया खेलूँगा, आप भी खेलोगे, भाई इन्जॉय करो। और इन्जॉय करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जैसा प्यार दे रहे हैं, मेरा दिल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है तो मतलब जगह भी बड़ा हो जा रहा है, और उस जगह को भरने के लिए आप सबका प्यार चाहिए। खूब सारा शेयर करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा जगह दिखाऊंगा, बहुत सारे मैचेस के, बहुत चीज़ बाकी है मेरे स्पोर्ट्समैन ब्लॉग में, बहुत चीज़ का आपको पहली बार एक्सपोजर मिलेगा। और इन्जॉय करिए, हंसते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टक से दबाएं।